दोस्तों, ठगी का कोई अंत नहीं है और ये जो ठगी करने वाले लोग होते हैं वो सब हमारी ही वजह से फलते फूलते हैं और इस सब के पीछे का कारण है लालच। दोस्तों, हम लालच में आकर कुछ ऐसे जो करिंदे होते हैं जो हमारे ही दुश्मन होते हैं, लेकिन उस टाइम पे वे हमें अपने सज्जन लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारी किस्मत की बदल के रख देंगे, हमारी सातों पीढ़ियां उन सब का आभार प्रकट करेंगी आने वाले समय। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत साबित होता है, होता आया है और होता भी रहेगा। ऐसा ही एक मामला बिल्कुल सामने आया है। सब्सक्राइब कीजिए वेबर वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन दबाइए पीएसएल की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल वेबर वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलती हैं सबसे पहले तरोताजा पीएसएल की जानकारियां और आगे भी मिलती रहेंगी। तो बिल्कुल दोस्तों, आपके सामने है कंपनियों की सील जमीन अपनी बताकर बेची 50 करोड़ रुपए की ठगी। तो ये न्यूज़ आई है पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क से और ये बताते हैं, ये जयपुर से न्यूज़ आई है। मोइनुद्दीन खान विधायकपुरी पुलिस की गिरफ्त में है। कोर्ट में आरोपित को गुरुवार को 6 दिन के रिमांड पर सौंपा है। आरोपित गोल्डन फॉरेस्ट और पीएसएल भी इसमें शामिल है, पीएसएल कंपनी का भी इसमें नाम आया है। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और ध्यानपूर्वक सुने भी। तो इसमें लिखते हैं कि निवेशकों के पैसे लेकर भागी कंपनियों की जमीनों को अपनी बता बेचकर 50 करोड़ की ठगी करने वाला आरोपी, आपको याद ही होगा दोस्तों 96 के आसपास की बात है जब ये गोल्डन फॉरेस्ट नाम की कंपनी आरडीएफडी का हिंदुस्तान में कारोबार करती थी, जिसका पैसा भी आज लटका पड़ा है। अभी तक उन निवेशकों को वो पैसा नहीं मिला है। उसका नाम है गोल्डन फॉरेस्ट। तो गोल्डन प्रोजेक्ट सहित पीएसएल कंपनियों का कर्ता धरता बन गया और राजधानी समेत देश भर में फर्जी कागजात से जमीनों के सौदे किए। उसे बुधवार शाम को गिरफ्तार किया गया था। पीएसएल कंपनियों की भारत में करीब 1800 करोड़ रुपए की भूमि है। सभी कंपनियों की भूमि को बाइंड अप करने के बाद सीज किया गया था। मोइनुद्दीन ने अपने साथी संजय सेठी, इब्राहिम खान, जिसान शेर, पामिला सियाल के साथ मिलकर सस्ते दामों में भूमि बेचाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगे हैं। पुलिस प्रथम दृष्टया इसका आंकलन 50 करोड़ रुपए से अधिक का मान रही है। गिरोह का मास्टरमाइंड पकड़ में आने के बाद जल्द ही जयपुर स्थित देश भर में गिरोह से पीड़ित अन्य लोग सामने आ सकते हैं। पहले भी कर चुका है घोटाला। मोइनुद्दीन ने वर्ष 2011 में देश भर में यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। इस मामले की जांच चल रही है। इसमें लाखों लोगों की पूंजी ठगी गई थी। सस्ती जमीन का देता था झांसा। बिल्कुल दोस्तों, सस्ती जमीन होगी तो मुंह में तो लार आएगी कि इतनी सस्ती जमीन मिल रही है, इसमें इन्वेस्ट कीजिए और कल को इसको महंगे दामों में बेचेंगे। तो मोइनुद्दीन ने वर्ष 2013 में आयुषी बिल्ड स्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रतिनिधि बन पीड़ित मोहम्मद जाकिर से संपर्क किया। शातिर ने गिरोह के साथ मिलकर चाकसू स्थित जमीन कंपनी की बताकर उसका बेचान का इकरारनामा तैयार करवाकर बतौर साई पेटे 60 लाख रुपए ले लिए। जमीन का सौदा तय कर ठगों ने रजिस्ट्री करवाने का झांसा देकर 2 करोड़ 50 लाख रुपए भी ले लिए। शातिर ने पीड़ित को गोल्डन फॉरेस्ट, गोल्डन प्रोजेक्ट और पीएसएल का कर्ता धरता बताकर इंदौर और चंडीगढ़ में भी चेक और नगद राशि के रूप में लगभग 11 करोड़ रुपए एंड लिए थे। तो दोस्तों, ये है न्यूज़। क्योंकि पीएसएल की जो संपत्तियां हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसको बेचने के इंतजार में पीएसएल के निवेशक दिन रात आंखें ताड़ कर बैठे हैं कि कब जैसे ज़मीनें बिकेंगी, लोढ़ा कमेटी बेचेगी, पैसे इकट्ठे होंगे और फिर रिफंड प्रक्रिया स्टार्ट होगी और उन्हीं ज़मीनों के ऊपर कुछ और लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। पता नहीं क्या क्या होगा, वो आपको वेबर वर्ल्ड बताता रहेगा आने वाले समय में। तो इस तरह की न्यूज़ें देखने के लिए दोस्तों, आप वेबर वर्ल्ड को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक जरूर कीजिए ताकि हमारा हौसला अफजाई होती रहे और हम आपके लिए समय समय पर ताज़ी अपडेट्स लेके आते रहें। और इन न्यूज़ों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये न्यूज़
और आने वाली जितनी भी न्यूज़ें हैं सारी आपके दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक भी पहुंचती रहें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।